नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपका स्वागत है। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी दस्तक महाराष्ट्र के महासंग्राम की है, जहां शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और 30 से ज्यादा विधायकों की बगावत के बाद दो ही सवाल चल रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट है? क्या देवेंद्र फडणवीस के अब मुख्यमंत्री बनने का संयोग है? दिन भर की सबसे बड़ी दस्तक पर अभी की पांच बड़ी बातें आप जानिए। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके साथ शिवसेना के 35 विधायक हैं। जी हां, शिवसेना की आज की बैठक में 55 में से केवल 22 विधायक ही पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे से 20 मिनट तक एकनाथ शिंदे की बात हुई है, लेकिन बात बनी नहीं है। तो ये दो बड़ी बातें हमने आपको, 55 में से 22 विधायक आए हैं, लेकिन इधर एकनाथ शिंदे की बात हुई लेकिन सुलह का कोई रास्ता नहीं निकला है। 20 मिनट की बातचीत हुई थी। शिंदे की शर्त है कि बीजेपी से गठबंधन करो तो पार्टी में टूट नहीं होगी। शिवसेना ने अपने बचे हुए विधायकों को वर्ली के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। जो 22 विधायक उनके पास बचे हुए हैं, उन्हें होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है विधानसभा का वो अंक गणित जिसकी वजह से महासंग्राम हो रहा है। चलिए, तो महाराष्ट्र विधानसभा की क्या बन रही है तस्वीर? बागी विधायकों के बाद किसका हो रहा है पलड़ा भारी, ये हम आपको दिखाते हैं। शुरुआत एनडीए की तरफ से हो रही है। 106 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 13 अन्य जुड़ते हैं, एक वहां पर राज ठाकरे की पार्टी के। लेकिन ये जो 32 आप देख रहे हैं बागी विधायक, क्योंकि दावा यही है कि 30 शिवसेना के विधायक और 2 निर्दलीय विधायक जुड़कर 32 विधायक जुड़ रहे हैं। 152, यानी जो जादुई आंकड़ा आप नीचे देख रहे हैं यहां पर 144 का, उससे कहीं ज्यादा एनडीए की तरफ हो रहा है, बीजेपी की तरफ हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, एनसीपी के 54, यहां पर कांग्रेस के 44, लेकिन असल परेशानी तो हो रही है शिवसेना को, क्योंकि उनके जो 55 विधायक थे उनमें से अगर निकल जाते हैं 30 तो बचते हैं सिर्फ 25। और ये है वो आंकड़ा जो इस वक्त उद्धव ठाकरे की नींद उड़ा रहा होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस कवायद में निकले थे उसमें वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये भी जानिए कि 2/3 विधायकों को उन्हें तोड़ना होगा शिवसेना से, वरना उन पर लग जाएगा दल बदल कानून। लेकिन फिलहाल जो पलड़ा है, अगर ये 32 विधायक बीजेपी की तरफ चले जाते हैं तो देखिए 152 का ये आंकड़ा, 152 का ये आंकड़ा 144 से कहीं आगे है। 106 बीजेपी की तरफ, यहां से करिए शुरुआत, क्योंकि 106 बीजेपी प्लस, उसके बाद आप देखिए कि 13 अन्य जुड़ते हैं, एमएनएस का एक। लेकिन ये जो 32 विधायक आप देख रहे हैं, ये जो दावा है एकनाथ शिंदे का कि उनके पास 30 शिवसेना के, 2 निर्दलीय विधायक हैं, इनके मिल जाने के बाद वो 152 पर पहुंच जाते हैं। शिवसेना ने इस पूरी उठापटक को बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बता दिया है। जी हां, ऑपरेशन लोटस, जिसके दम पर कहा जाता है कि बीजेपी ने आज से 14 साल पहले कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई थी, क्या उसी ऑपरेशन लोटस का ये 9वां अध्याय है जिसकी वजह से ये महासंग्राम है। बयान नंबर 1, तारीख 20 जून, दिन सोमवार, जगह मुंबई, वक्त विधान परिषद में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जीत के बाद। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है, और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ चलती उद्धव ठाकरे सरकार को हिलाने की स्क्रिप्ट 20 जून की रात लिखी गई या उससे भी पहले? बयान नंबर 2, तारीख 20 जून, कहानी महाराष्ट्र में राज्यसभा से विधान परिषद चुनाव तक बीजेपी की बंपर जीत की, टाइमलाइन 10 जून से 20 जून के बीच की। बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले, राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है, और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीस जून की रात देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर जो मुस्कान दिखी उसमें 134 विधायकों की सहमति का दावा है। क्या यह आंकड़ा बहुमत के 144 विधायकों के पार जा सकता है?
सवाल की वजह बनने वाले शख्स का नाम एकनाथ शिंदे, शिवसेना के बड़े नेता, महाराष्ट्र में कई बड़े मंत्रालय संभालने वाले मंत्री, जिनका 20 जून को कई विधायकों के साथ सदन में आने के दौरान दिखाया गया विक्ट्री निशान उन्हीं की पार्टी और उद्धव सरकार के लिए चुनौती बन गया, जिसकी पूरी फिल्म देश के 3 शहरों में अभी चल रही है। सूरत, जहां शिवसेना के कई विधायकों के साथ बागी हो गए एकनाथ शिंदे होटल में बैठे हैं। दिल्ली, जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात हुई है। मुंबई, जहां शिवसेना को मातोश्री में अपने विधायकों के नंबर गिनने पड़ रहे हैं। दावा शिवसेना का कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है। यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी एक दो जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। ऑपरेशन लोटस सरकार बनाने गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला राजनीतिक शब्दकोश से निकला ऐसा शब्द जिसके दम पर कहते हैं कि 5 बार बीजेपी सफल हुई, 4 बार ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा। अगर महाराष्ट्र में ये ऑपरेशन लोटस है तो फिर 9वें अध्याय में क्या होगा? क्या उद्धव सरकार पर संकट है? क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए सत्ता का संयोग बन गया है? जो आसान नहीं होता उसे आसान करना देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं। पूरी रणनीति देवेंद्र जी की थी, मैं देवेंद्र जी की रणनीति की, चाणक्य नीति की दाद दूंगा। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, नहीं चलेगा। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इसे शिवसेना कहती है, बीजेपी नहीं मानती। जब बीजेपी शासित राज्य गुजरात के सूरत में शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ मेरिडियन होटल में है, तब महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते दिखते हैं। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ता होली दिवाली दोनों जून के महीने में मना लिए। सतारा में बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खाने लगे। पुणे के बीजेपी दफ्तर में ऐसा जश्न मनते दिखा जैसे बस देवेंद्र फडणवीस को शपथ का न्योता मिलना बाकी रह गया हो। बयान ऐसा ही आभास भी देते हैं। इसके पीछे पूरा प्लानिंग जो है माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का है, और हम जानते हैं कि आने वाले समय में उनके ही प्लान से इस महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा और जरूर इस महाराष्ट्र में जोरदार ताकत से ये सरकार बनेगी हमारी। जब विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जश्न बीजेपी ने अपनी जीत के साथ मनाया है, तब शिवसेना मुंबई में ये दिखाने की कोशिश दिन भर करती रही कि वो एकजुट है, पार्टी में कोई टूट फूट नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा तूफान जैसा आया है महाराष्ट्र के जो है हमारे राजनीति में, मगर मैं समझता हूँ कि तूफान आता है तो तूफान कम भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है, तो शाम तक जो है या कल तक जो है ये सारी बातें जो है शांत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तूफान शिवसेना के भीतर उठा है, ये वो छगन भुजबल भी मानते हैं जो खुद शिवसेना से बगावत करके निकले थे बाल ठाकरे से उद्धव तक। क्या ये शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत का वक्त है? 1990 में 18 विधायक के साथ शिवसेना से छगन भुजबल बाहर आए थे। 2005 में दावा होता है कि 40 विधायकों के साथ अलग होकर नारायण राणे शिवसेना बांट देना चाहते थे, कोशिश कामयाब नहीं हो पाई थी। अब 2022 में तीसरे पुराने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे बागी हुए हैं, जो अपने साथ 35 विधायकों के होने का दावा करते हैं। शिवसेना के कुल 55 विधायक, क्या 35 विधायक वाकई एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत कर चुके? अगर हाँ तो फिर क्यों शिवसेना अपने घर में हुई इस बगावत की पर्ची बीजेपी के नाम ऑपरेशन लोटस के जरिए काटने में लगी है? क्रॉस शूटिंग किया है कांग्रेस और शिवसेना और कुछ लोगों को मिलकर, तो आपने देखा होगा तुरंत उसके बाद उनको गुजरात शिफ्ट कर दिया। लोग जाना नहीं चाहते थे जबरदस्ती से, एक विधायक तो भागकर आया है कैलाश पाटिल, आपको मालूम होगा 4 किलोमीटर चलकर बारिश में वो मुंबई तक पहुंचा है।
ये भी घटनाएं हुई है, ये किसी पार्टी को या देश को शोभा नहीं देते। जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का डंका बजाते हैं, इस देश में अगर इस तरह से किडनैपिंग होगा विधायकों का और सरकार बनाने की कोशिश करेगी, सरकार तोड़ने की कोशिश होगी। शुरुआत से ही ये गठबंधन जो बनी है अघाड़ी की, ये अपने आप में ही विचलित हो चुकी है। ना सिद्धांत है, ना विचारधारा है, ना सोच है, ना आगे की कार्यशैली है। ये केवल सत्ता और कुर्सी पकड़ने की चिंता और भूख के आधार पर यह अघाड़ी बनी। वो दरार आज की दरार नहीं है, वो दरार जिस दिन से ये अघाड़ी बनी है तब से ये दरार उस दिन से स्थापित हो चुकी। ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल, इसका हमेशा से यह अर्थ कभी नहीं रहा कि सत्ता के लिए विधायकों की जोड़ तोड़ हो। 2008 में पहली बार कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 3 विधायक कहते हैं बीजेपी के लिए कम पड़े थे। तब बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के 7 विधायक तोड़े थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, दोबारा उन सीट पर चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बन गई। इससे पहले ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल असल में चुनाव के दौरान हुआ था। तब कहते हैं प्रचार के दौरान पार्टी को जिताने के लिए घर घर तक पहुंचने को ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल का नाम दिया गया था। जब सरकार बनाने के लिए हर विधायक तक पहुंचने की कोशिश होने लगी तो इसे वही नाम दे दिया गया, ऑपरेशन लोटस। क्या महाराष्ट्र में अभी यही हो रहा है? क्यों इसे ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है? इसे 2 शहरों की कहानी से समझते हैं। ये 2 शहर हैं मुंबई और सूरत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग को लेकर जेल तक खुवाई ये निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। मंगलवार को मुंबई से दिल्ली के लिए चली, हवाई जहाज में ही हनुमान चालीसा पढ़ती दिखी। दिल्ली में जब जमीन पर उतरी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के पैर जमीन से हटने के दावे करने लगी कि उनके पार्टी के विधायकों को भी उनके ऊपर विश्वास नहीं, उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं। तो जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे आया है वो संकट दूर करने के लिए हनुमान चालीसा तो बनता है, करता है। मैं फ्लाइट में भी आते आते 11 बार पढ़ा, मेरे महाराष्ट्र से संकट दूर हो उससे मैंने प्रार्थना की है हनुमान जी से। 26 विधायक सूरत में है, सरकार की सूरत क्या होगी, कैसी बदलती है? सरकार की सूरत तो उसी दिन बिगड़ गई थी, और विधायकों की जिंदगी और महाराष्ट्र की जिंदगी उसी दिन बिगड़ गई थी जब ये महाविकास अघाड़ी बनी थी। महाविकास अघाड़ी के सियासी भविष्य को पिछाड़ी करने के लिए जिम्मेदार एकनाथ शिंदे सूरत के सीली मेरिडियन होटल में है। दावा है उनके साथ 35 विधायक है, बाहर पुलिस का बंदोबस्त तगड़ा। वजह, एक बहुत बड़े राज्य की सत्ता को हिलाने का सामर्थ्य रखने वाले सत्ताधारी दल के विधायक इसी होटल में मौजूद हैं, जिसे संजय राउत ऑपरेशन लोटस का हिस्सा कहते हैं। एक विधायक को वहां जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहां से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहां से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहां बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? ऑपरेशन लोटस यानी इसके अब तक के राजनीतिक प्रयोग पर नजर डालें तो प्रक्रिया कुछ ऐसी रही, जिसमें दूसरे दल के 2/3 विधायकों को सीधे अपनी पार्टी में शामिल करा दिया जाता है ताकि दल बदल कानून का कोई पेंच ना फंसे, या फिर दूसरी पार्टी के बागी विधायकों का इस्तीफा दिलाकर वापस उपचुनाव में अपने दल से लड़ाकर जिताया जाता है, फिर अपनी सरकार बनाई जाती है। ऑपरेशन लोटस में सबसे अहम होता है होटल। होटल भी ऐसा वैसा नहीं, अपने किसी मजबूत सत्ताधारी राज्य का होटल, जहां पुलिस और प्रशासन अपनी ही सत्ता के शासन वाले राज्य का हो। अब महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक गुजरात में सूरत के होटल में मौजूद है, क्या इसीलिए इसे शिवसेना और कांग्रेस ऑपरेशन लोटस का नाम देने लगे? एक और आरोप को सुनिए। भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है।
अब आप सूरत के इस होटल के बाहर मंगलवार की गतिविधियां देखिए। एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। ये कार महाराष्ट्र के नंबर की है। यहाँ मौजूद आज तक संवाददाता सौरभ अक्तानिया ने जानकारी दी कि सूरत में ली मेरिडियन होटल में चार तरफ से एंट्री है, चारों तरफ पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। होटल में महाराष्ट्र से आने वाली कार को सीधे एंट्री नहीं मिलती। महाराष्ट्र से आती कारों में सवार लोगों को अपनी पहचान पहले साबित करनी पड़ती है। जैसे महाराष्ट्र के नंबर की इस कार में बैठे मिले व्यक्ति का नाम है संजय कुटे। ये महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक हैं, जिनकी कार को सूरत के इस होटल में एंट्री से पहले रोका गया। फिर एक पुलिस अधिकारी आते हैं, आकर बीजेपी विधायक वाली इस गाड़ी को होटल में भीतर जाने देने के लिए बाकी सुरक्षा कर्मियों को कहते हैं। संजय, डॉक्टर संजय। संजय कुटे को लेकर सवाल जब आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने संजय राउत से किया, तो इनका जवाब सुनिए। संजय कुटे वहां पर देखे गए, जो देवेंद्र फडणवीस के नजदीकी है, वो वहां पर रिसोर्ट पे पहुंचे हुए और उनको वहां पर देखा गया। मुझे मालूम है ना, यही ऑपरेशन लोटस है ना। आपकी ताकत वापरो, सब कुछ करो और ऑपरेशन करो, ये नहीं चलेगा। ये मंगलवार दोपहर सूरत के इसी होटल में, जहां शिवसेना से विरोध करके एकनाथ शिंदे कई विधायकों के साथ मौजूद हैं, यहां शिवसेना नेताओं के साथ पांच गाड़ियों का काफिला पहुंचता है। इस पहली कार में मिलिंद नार्वेकर बैठे हैं, जो शिवसेना में ट्रबल शूटर माने जाते हैं। कार चलाने वाले शख्स का नाम रवि फाटक है। रवि फाटक ठाणे से आते हैं, ये एकनाथ शिंदे के करीबी कहे जाते हैं। आज तक संवाददाता सौरभ बक्तानिया के कैमरे में कैद तस्वीरें कहती हैं कि जब एकनाथ शिंदे होटल के भीतर हैं, वहां शिवसेना के दोनों बड़े नेता बात करने पहुंचे, मनाने पहुंचे, तब पहले इन सभी गाड़ियों को रोक दिया गया, फिर पुलिस अधिकारी आए। एक बार लगा कि क्या वाकई शिवसेना के नेताओं को सूरत में होटल के अंदर नहीं जाने दिया गया। जो ऑपरेशन लोटस की बात संजय राउत करते हैं, क्या वो सच है? तभी पुलिस अधिकारी शिवसेना के दोनों बड़े नेता की कार को होटल के अंदर जाने देने का इशारा करते हैं। बड़ा तामझाम, अफरा तफरी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने जो रवि फाटक और मिलिंद नार्वेकर को अलाउ किया है कि वो होटल में जाए और शायद उनकी मुलाकात एकनाथ शिंदे और जो बाकी के बागी एमएलए से उनसे हो सकती है। एकनाथ शिंदे के साथ ही दावा है कि शिवसेना विधायक नितिन देशमुख भी सूरत के इस होटल में है, लेकिन विधायक जी की पत्नी ने अकोला के अपने विधायक पति की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस के पास जाकर कर दी। जब किसी भी राज्य में दलबदल या बगावत की कहानियां आती हैं, तो ऐसे किस्से कुछ जरूर होते हैं। विधायकों का अपना अपना हिसाब चेक करने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये इन तस्वीरों में कैद है। शिवसेना नेता खोज खोज कर अपने विधायकों को लाने में जुटे रहे। शिंदे समर्थक तीन विधायक, जिसमें मंत्री दादा भुसे, पूर्व मंत्री संजय राठौड़ और विधायक संजय बागर हैं, इन्हें सेंट्रल मुंबई के होटल से मातोश्री लाया गया। शिवसेना के एमएलसी सचिन अहीर को इन तीनों विधायकों को मातोश्री तक लाने का जिम्मा दिया गया था। बावजूद इसके दावा है कि शिवसेना अपने 55 में से 22 विधायकों को ही अपने साथ जुटा पा रही है। थोड़ी ही देर पहले एकनाथ शिंदे ने अपने साथ सूरत के होटल में रुके 33 शिवसेना विधायकों का नाम भी जारी कर दिया है। आज ही शिंदे की बीजेपी के साथ गठबंधन की शर्त पर उद्धव ठाकरे ने अपने वफादार विधायकों से पूछा कि क्या बीजेपी ने उन्हें कम शर्मिंदा किया है जो अब बीजेपी से गठबंधन कर लिया जाए। कल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होनी है, कल आगे क्या होगा ये सब निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच अब सुलह की कितनी गुंजाइश बची है। दशकों तक हिंदुत्व की राजनीति में देश के भीतर बीजेपी की प्रबल सहयोगी रही शिवसेना ने 2019 में सत्ता के लिए कहते हैं संबंध तोड़े। तब सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जीतकर भी बीजेपी सरकार बनाने से दूर रही। फिर अजीत पवार के भरोसे पर अचानक शपथ लेकर भी 2019 में ही फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या अब 2.5 साल बाद 2022 में महाराष्ट्र में बीजेपी वापस सरकार बना पाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के कितने विधायक हैं और कितने विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के समर्थन में। सवाल पहले जब शिवसेना के नेताओं से हुआ तो सुनिए उनका क्या दावा था। 33 लोग थे
और भी 7-8 लोग आसपास हमारे, लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है, और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए यहाँ, समझो कि 35 से लेकर 30 तक थे, कई लोग आ नहीं पाए क्योंकि बाहर गांव गए थे, आने के दिक्कत थी इसलिए आए ना नहीं पाए, लेकिन ये सब जो कुल मिला के 30 जो है सब यहाँ थे। शिवसेना अपने साथ 55 में से 35 विधायक तक होने का दावा करती है। एकनाथ शिंदे को सदन में मिली जिम्मेदारी के पद से हटाने वाली चिट्ठी को देखें तो शिवसेना के 22 विधायकों की हस्ताक्षर इसमें दिखे। अब सवाल ये, क्या शिवसेना के पास 22 विधायक ही हैं? क्या 33 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं? दल बदल कानून के पेच से बचने के लिए 37 विधायक अलग होने चाहिए, क्या इसका इंतजाम एकनाथ शिंदे कर पाएंगे? इसमें पहले ये बात अभी यही लगती है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे को वापस शिवसेना मनाने से पीछे हट चुकी है। दो बयानों से इसको समझते हैं। एकनाथ शिंदे जी से भी बात चल रही, हमारे मित्र है, हमारे साथी है पुराने, वो भी वापस आ जाएंगे। इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप MLA को एकनाथ? मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाएंगे। 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी सफल असफल होगा? पूरा असफल होगा। क्या उनको वापस पार्टी में लाने की कोशिश की जाएगी या उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? अब तक हमने देखा हुआ है, नारायण राणे को पार्टी से निकाल दिया गया था, छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया गया था, क्या एकनाथ शिंदे को पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा अगर वो वापस आते कि उनको निकाल? उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी, जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अब तक मंत्री पद नहीं खोएंगे? खोएंगे, आज एक दो दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। यानी शिवसेना मंत्री पद से शिंदे को हटाने का मन बना चुकी है। अब समझना जरूरी है कि शिंदे का बगावत करना ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है या फिर शिवसेना के नेतृत्व और राजनीतिक चरित्र से नाराजगी का नतीजा। वजह ये कि एकनाथ शिंदे ने मंगलवार के ट्वीट में लिखा कि हम बाला साहब के पक्के शिवसैनिक हैं, बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया, बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करने वाली ही शिवसेना अभी कांग्रेस NCP के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, तो क्या मुद्दा हिंदुत्व ही है? जब शिवसेना के दो बड़े नेता सूरत के होटल में एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे तो वहां बातचीत में दावा है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर 20 मिनट बात हुई, जिसमें एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 35 विधायक होने का दावा किया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर BJP के साथ गठबंधन करें तो पार्टी में टूट नहीं होगी। शिंदे बोले कि विधायकों को NCP और कांग्रेस के साथ गठबंधन से नाराजगी है। जवाब में दावा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि BJP ने तो शिवसेना और उसके कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, कैसे उसके साथ गठबंधन की बात हो सकती है? महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत पर पूरे देश की नजर है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना विधायकों के जरिए उसे विधान परिषद चुनाव में मात देने का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी उठापटक की कहानी इतनी भर नहीं है। BJP का एक नेता इस सियासी महासंग्राम के पीछे अहम रोल निभा रहा है, वो नेता कौन है बता रहे हैं आशक संवाददाता गोपी घांगर। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ, वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र है, हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ये उद्धव ठाकरे की ताजा तस्वीर है, जिसमें उनका चेहरा या फिर उनके हाव भाव सब कुछ शिवसेना में बड़ी गड़बड़ी की खबर देते हैं। सवाल यह है कि जो शिवसेना अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती है, उसके सुर नरम करने वाला कौन है? वो कौन है जिसके बल पर एकनाथ शिंदे सीधे उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं? अब ये सूरत की तस्वीर देखिए, जो उसी होटल के बाहर की है, जिसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना के बाकी विधायकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी एक दो जगह पे हुआ है,
चलता है, अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। सवाल है कि वो कौन है जो महाराष्ट्र में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का मुख्य सूत्रधार है। महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी का जो काम अधूरा रह गया था उसे इस बार गुजरात से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उद्धव ठाकरे के विरोधियों की बाछें खिली हुई है। मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए, संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत की फिल्म की सबसे अहम शूटिंग सूरत में हो रही है, जिसके निर्देशक गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल बताए जाते हैं, जिन्होंने शिवसेना विधायकों को सूरत में शरण दी है। सूरत के इस होटल की सुरक्षा का आलम यह है कि 500 मीटर दूर तक इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और होटल के स्टाफ की भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। 2.5 साल पहले ही महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था, लेकिन वो नाकाम रहा। शायद इसी से सबक सीखते हुए इस बार इस ऑपरेशन की कमान एक ऐसे नेता को दी गई जिसे जो भी काम दिया जाता है उसे वो पूरा करके ही दम लेता है। सीआर पाटिल की गुजरात में अहमियत क्या है उसे आप प्रधानमंत्री के इस रोड शो की तस्वीर से समझ सकते हैं, जिसमें वो और राज्य के मुख्यमंत्री पीएम के साथ सवार है। याद कीजिए, आपने क्या कभी किसी प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को पीएम के साथ रोड शो में इस तरह से देखा है? गुजरात में सीआर पाटिल को पीएम की आंख और कान माना जाता है, जिन्होंने पीएम के दिए हर काम को अपने अंजाम तक पहुंचाया है। इसीलिए सीआर पाटिल के विरोधी भी उन्हें गुजरात का सुपर सीएम तक कहते हैं। और गुजरात के जो असली मुख्यमंत्री हैं सीआर पाटिल साहब, ईशुराम जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सीआर पाटिल नहीं है, भूपेंद्र पटेल है। असली मुख्यमंत्री तो सीआर पाटिल है, सरकार तो सीआर पाटिल चलाते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल तो नाम के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र से सीआर पाटिल का यही रिश्ता ऑपरेशन लोटस में बहुत कारगर साबित हुआ, जिसे पूरा करने के लिए वो सोमवार देर रात ही जुट गए। सीआर पाटिल का आज सुबह गांधीनगर में योग दिवस का कार्यक्रम था, लेकिन उसे कल रात ही रद्द कर दिया गया। सीआर पाटिल रात को ही सूरत के लिए रवाना हो गए, ताकि शिवसेना के बागी विधायकों को ठहराने का इंतजाम किया जा सके। बताया जाता है कि गांधीनगर से सूरत के रास्ते में ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी किस होटल में रुकेंगे, पुलिस का बंदोबस्त कैसा होगा, इसका पुख्ता इंतजाम करके सीआर पाटिल ने शिवसेना को बैकफुट पर डाल दिया। विधायक को वहाँ भी उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहाँ से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहाँ से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़ कर वापस वहाँ बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है, यही डेमोक्रेसी है? ये सीआर पाटिल ही थे जो सोमवार देर रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में सूरत पहुंचे। सूरत जो कि उन्हीं का गढ़ है, और यहां पे होटल में सुबह तड़के तक मौजूद रहे और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की प्लानिंग में लगे रहे। दावा है कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए सीआर पाटिल एकनाथ शिंदे के संपर्क में काफी समय पहले से थे। सीआर पाटिल महाराष्ट्र के जलगांव से आते हैं, वो शिवसेना के कई विधायकों के संपर्क में थे, जिसमें पारोल से एमएलए चिमन राव पाटिल और पचोर से किशोर पाटिल शामिल हैं। मराठा समुदाय से आने की वजह से शिवसेना विधायकों से संपर्क करना सीआर पाटिल के लिए आसान हो गया। शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी सबसे पहले खबर राज्यसभा चुनाव में ही मिल गई थी, लेकिन विधान परिषद के चुनावों में शिवसेना की हकीकत बेपर्दा कर दी। नतीजों से साफ हो गया कि शिवसेना के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिससे शिवसेना के विधायकों को अंदेशा हो गया कि ऐसा करने से उनकी उद्धव ठाकरे के सामने पेशी हो सकती है। ऐसे में शायद बीजेपी की रणनीति के तहत शिवसेना के बाकी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए और महाराष्ट्र में सरकार पर संकट पैदा हो गया। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे।
शिवसेना की इस लाचारी की वजह बीजेपी का वो चक्रव्यूह है जिसे गुजरात के नवसारी से सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने तैयार किया। टेक्नोसेवी नेताओं में शामिल सीआर पाटिल बीजेपी के लिए पहले भी बड़े से बड़ा असंभव काम करते रहे हैं। 2019 में सीआर पाटिल को चुनावी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। काशी से ही नवसारी का चुनाव लड़ा और ना वो पाटीदार है और ना ही गुजराती, लेकिन जातिवादी इस राजनीति में ऐसा समीकरण उन्होंने बिठाया कि अब वो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है। ये सीआर पाटिल ही थे जिन्होंने साल 2015 में पाटीदार आंदोलन के जोर के बावजूद बीजेपी को जिताया। पिछले विधानसभा चुनाव में पाटीदार के विरोध के बावजूद बीजेपी ने सूरत की 16 में से 15 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बना ली। बिना विरोध के गुजरात की पूरी कैबिनेट को बदलने का श्रेय भी सीआर पाटिल को ही जाता है। इसके अलावा सीआर पाटिल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों को लागू करने का काम भी देखते रहे हैं। गुजरात में सीआर पाटिल बीजेपी को 150 सीटें जिताकर विपक्ष की सारी उम्मीदों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नजर सात के महाराष्ट्र पर भी है जहां उन्होंने शिवसेना में असंतोष का फायदा उठाकर बीजेपी के लिए कई मौके तैयार कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत से सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ही नहीं गिरेगी बल्कि इसका असर बीएमसी चुनावों से लेकर ठाणे नगर निगम चुनाव तक होगा। शिवसेना में टूट से राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी बढ़ सकता है, यहां तक कि शिवसेना की तरह कांग्रेस और एनसीपी में भी भगदड़ मच सकती है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान का असर दूर तक होगा जिसके सूत्रधार गुजरात बीजेपी अध्यक्ष माने जा रहे हैं। सूरत से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। ढाई साल पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत की थी, तब सत्ता बीजेपी के करीब आकर भी दूर चली गई, लेकिन अब शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है। वो 33 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले विधायकों की सूची भी आई जिसके बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ...2019 में उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं होते तो राज्य की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में होती। शिवसेना के कद्दावर नेता की इस कसक को बीजेपी ने भुनाया और ऑपरेशन लोटस के नए अध्याय की शुरुआत कर दी जिसने शरद पवार की पावर से बनी इस सरकार की जड़ों को हिला कर रख दिया है। शिवसेना के निर्णय के खिलाफ निर्णय ले लिया है और अभी बहुत ही कुछ दिनों में वहाँ देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनेगी। वहाँ क्लियर मेजोरिटी मतलब एकनाथ शिंदे जी को साथ मिले तो बीजेपी सरकार को बना सकती है। कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इश्यू है जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। पवार चाहे जो कहें, लेकिन सूरत के होटल में शिवसेना विधायकों की ये तस्वीर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल होने की खबर दे रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने विरोधी पार्टियों की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाई है जिसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक सबसे प्रमुख है। मार्च 2020 में एमपी की कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने गिरा दिया। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के लिए नजरअंदाज करने से नाराज थे जिसे बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह साल 2017 में कर्नाटक में बीजेपी 105 सीट जीतकर भी सरकार बनाने से चूक गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 79 विधायकों वाली कांग्रेस और 37 विधायकों के साथ जेडीएस ने कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाई जो 2 साल में ही गिर गई और एक बार फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा। अजीत पवार की बगावत के बावजूद शरद पवार ने बीजेपी के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी लगी रही और उसने आखिरकार शिवसेना में असंतोष का फायदा उठा लिया। आर्थिक नजरिए से महाराष्ट्र देश के अहम राज्यों में से एक है, लेकिन बीजेपी के लिए इसकी अहमियत उसकी शुरुआत से जुड़ी हुई है। दरअसल मुंबई में ही बीजेपी का पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को लेकर ऐतिहासिक भविष्यवाणी की थी। भारत के पश्चिमी घाट को
मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता की भविष्यवाणी सच साबित हुई है और बीजेपी देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई। बीजेपी की इस कामयाबी के सफर में शिवसेना भी शामिल रही। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अलग हो गए, लेकिन तब रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं थी। मैंने तय किया है कि बाड़ा साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाड़ा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है। इस चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना एक बार फिर दोबारा साथ आ गए, लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों अलग हो गए। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी वैचारिक विरोधी एनसीपी और कांग्रेस से समझौता कर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल आसान नहीं रहा। ऐसी खबरें आती रही कि शिवसेना के विधायक सरकार में एनसीपी के दबदबे से नाराज हैं। फिर उद्धव ठाकरे के बीमार होने के बाद उन पर पार्टी के नेताओं से कट जाने के आरोप लगे और इसका नतीजा आखिरकार उनके खिलाफ बगावत के रूप में सामने आ चुका है। गोपी घांगर, सूरत, आज तक। अभी तो इतना ही कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, हर पल हर खबर आज तक पर सबसे पहले देखते रहिए आज तक।